वेलकम टू माय व्लॉग। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, शाम का टाइम है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बादल हैं। सर्दी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं अपने प्लांट्स दिखाना चाह रही थी जो हमने इसके अंदर लगाए थे और वो ग्रो हो चुके हैं और उसमें अब सब्ज़ी भी लग चुकी है। ये मिर्चों का पौधा लगाया था, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे, सबसे पहली वीडियो, उसमें मैंने ये मिर्चों का पौधा लगाया था जो कि अब इतना ग्रो हो चुका है कि अब इसमें मिर्चें आ गई हैं। ये देखें हरी मिर्च, अब घर की मिर्चें हम खाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, तो आप में से अगर कोई लगाना चाहे तो घर के अंदर ही मिर्चें लगा सकते हैं। और इसमें जो है मैंने टमाटो का भी लगाया है, इसी के साथ ही लगाया है, ये भी निकल आएगा। ये भी मिर्चों का लगाया था मैंने और इंशाल्लाह ताला इसमें भी मिर्चें आना शुरू हो गई हैं। ये फूल जो है, ये फूल बंद होके और फिर इसमें मिर्चें लग जाती हैं। और साथ में ये नीचे मैंने टमाटो का लगाया हुआ है, टमाटो का ये छोटे छोटे फ्लावर है इसके अंदर और ये भी ये नींबू का है इसका। अब ये देखिए कब तक बढ़ते हैं। ये जो है ये दिखाते, ये मैंने छोटे छोटे फ्लावर लगाए हैं और इसके अंदर ये दिन का राजा है, ये रात की रानी कहते हैं इसको। नहीं, रात की रानी है ये, दिन का राजा नहीं, रात की रानी है, क्योंकि रात को ये फूल खिलते हैं, उनकी खुशबू आती है। अच्छा, ये जो है ये इसकी गर्दन टूट गई थी हवा से, फिर मैंने इसको बांध दी। इसमें भी बहुत, जब पानी डालते बहुत अच्छी खुशबू आती है, ख़ास तौर पर रात को बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। अच्छा, ये जो है मेरे ब्यूटीफुल फ्लावर रेड वाले, इनको मैंने नीचे रख दिया है क्योंकि ऊपर हवा से बार बार गिर रहे थे। इसकी मिर्चें देखें आप, इतनी ज़बरदस्त मिर्चें हो रही हैं इनकी, मतलब इनका टेस्ट जो है ना अच्छा है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है ये। जब भी चाहिए तो मैं यहाँ से आराम से ले सकती हूँ। पहले मैं निकाल चुकी हूँ तो इसलिए ये थोड़ा सा ब्राउन नज़र आ रहे हैं। चलें आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको झटपट राइस बनाना सिखाऊंगी, जो बीमार लोगों के लिए खिचड़ी होती है वो कैसे बनाती हूँ मैं और झटपट बनती है। और साथ में अपने जो है, क्योंकि फैशन के हवाले से मेरा वर्क है, तो एक घर पे ही सिंपल आपको एक गरारा बताऊंगी मैं माइयों के लिए। तो मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह, मैं इसकी जो है साथ साथ में आपको बताती जाऊँगी। चलें स्टार्ट करते हैं, तब तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें इसका। या मोहम्मद, तेरा जवाब नहीं, या मोहम्मद, तेरा जवाब नहीं। ये भी सच है तू आफताब नहीं, मैंने माना तू महताब नहीं। या मोहम्मद, तेरा जवाब नहीं। हमारी झटपट खिचड़ी तैयार है, बस पानी में डाला, बॉईल किया और उसको भगा लगाया, खिचड़ी तैयार है। साथ में सलाद के साथ सर्व कर दें आप। अच्छा, ये जो है माइयों का जो ड्रेस मैं बता रही थी, ये इसकी शर्ट का कपड़ा है। ये शर्ट जो है मैंने अलग से इसकी सिलेक्ट की थी, उसके बाद जो है इसकी कटिंग की, कटिंग करने के बाद इसको मैंने स्टिच किया और उसी की तरह का मैचिंग लिया। सबसे लास्ट में बताऊँगी कि मॉडल पिक्चर क्या है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने गरारे का कपड़ा लिया सिल्क का और उसको काटा और उसके बाद उसको सिया, और सीने के बाद क्या चीज़ बनी वो आप देखेंगे और इंशाल्लाह शौक रहेंगे कि हम इतना महंगा और जो एक्सपेंसिव ड्रेस इतना इजीली बना सकते हैं। कोई हमें उस पर जाने की ज़रूरत नहीं, ब्रांड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे भी उसको बना सकते हैं। और ये मैंने बनाया और आप उसको देखें, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि जामावर कपड़ा उसमें यूज़ हुआ था और इसमें जो है मैंने सिल्क का कपड़ा यूज़ किया, क्योंकि हम लोग हर एक जामावर पहन नहीं सकते। ये हम ऐसा है कि हम किसी भी नॉर्मल किसी भी हम फंक्शन में पहन सकते हैं, सिवाय माइयों में पहनने की ज़रूरत नहीं, इससे मैचिंग दुपट्टा लेके हम इसको कहीं पर भी पहन सकते हैं। तो आप देखें ये क्या बना, ज़बरदस्त ड्रेस।
मायों का पार्टी वेयर भी कह सकते हैं, मायों का भी कह सकते हैं आप। और बिल्कुल मैचिंग है ये ड्रेस, जैसा मॉडल ने पहना हुआ है सेम वैसे ही है ये। आप भी इसको बना सकते हैं घर पे, और इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो भी शेयर करूँगी, आप उसको देखिएगा। आपको ये ड्रेस पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों की फरमाइश पे बनाया है। और इंशाल्लाह ताला आप न्यू ड्रेसेस देखते रहिए, मेरे साथ रहिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।